मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि आप एक एक क्वेश्चन बिल्कुल घोल के पी जाएंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को आप एक एक को घोल के बिल्कुल पी जाइए, ठीक है भाई। और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा, और जितने भी सारे क्वेश्चन PBSC या पेपर से लिए गए, जो बहुत 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 ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन बस वही लिए गए हैं, ठीक है भाई। तो चलो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाला, क्षेत्रफल की दृष्टि से बच्चा विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। अगर हम क्षेत्रफल यानी कि एरिया की से बात करें, तो एरिया की दृष्टि दोस्तों विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है, छठवें नंबर सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो बच्चा छठवें नंबर का सबसे बड़ा देश आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आता है। तो अगर हम बात करें विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के क्रम, तो सात देशों के मैं आपको क्रम बता रहा हूँ। सबसे पहले टॉप पे आता है रसिया, रसिया एरिया के बाइज सबसे बड़ा है, और फिर कनाडा, फिर चीन तीसरे नंबर पे आता है, फिर चौथे नंबर अमेरिका, पाँचवें नंबर साथियों ब्राज़ील आता है, छःवें पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे आपका भारत आता है, ठीक है। और विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश, अगर हम विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश आपका है चीन, सबसे टॉप पर चीन, फिर उसके बाद दोस्तों भारत है, फिर उसके बाद अमेरिका है, फिर आपका इंडोनेशिया आता है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा देश आपका क्षेत्रफल के अनुसार रसिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अफगानिस्तान का हेलमंड प्रांत अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चिपको आंदोलन की तरह दोस्तों किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों का रक्षा करना है। दोस्तों चिपको आंदोलन की तरह पर जो आपका उत्तर कन्नड़ जिले में वनों का रक्षा करना है, बेसिकली अपिको आंदोलन, ये आपका चिपको आंदोलन की तर्ज पर चलाया गया, जो कि उत्तर कन्नड़ जिले में चलाया गया जो कि वनों की रक्षा करने के लिए चलाया गया था, जो कि आपका कर्नाटक में चलाया गया था, ठीक है। और ये आपका कर्नाटक में शुरू हुआ था, इसका नेतृत्व किया था पांडुरंग हेगड़े ने, जो कि 1983 में स्टार्ट हुआ था। छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी और किस खदानों के लिए प्रसिद्ध है। जो हसदेव घाटी है साथियों, कोयला की खदानों के लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस है हसदेव घाटी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियड टेबल में तथ्यों को कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है, ठीक है। चलो यार, मैं इसमें आपके 18 ग्रुप आते हैं, मैं आपको चार्ट भी एक बार दिखा देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने आपको चार्ट पेपर भी इसका खैर दिखा दिया है, चार्ट पेपर आप देखिए, मेरा फेस विजिबल नहीं होगा, चार्ट पेपर आप देखिए इस प्रकार साथियों, इसमें ग्रुप होते हैं, ये आपका पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, इस प्रकार दोस्तों आपके 18 ग्रुप तक आते हैं, ठीक है। ये आपका 18वां ग्रुप है, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें दिख रही होंगी सही से, और ये आपका फर्स्ट सेकेंड, ये आपका 18वां ग्रुप है, ठीक है। और इस प्रकार साथियों आपके इसमें 18 ग्रुप होते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल, इस प्रकार से पूरा एक पूरा चार्ट होता है। और कभी मैं दोस्तों मौका लगेगा मैं आपको पूरा मतलब शॉर्ट ट्रिक के माध्यम में चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। परेशान मत होइएगा, आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि आके हिली ना की रब से फरियाद, किस प्रकार से चीज़ें चलती हैं वो मैं आपको सब बताऊंगा। नीचे वाले जो दो दो कॉलम्स होते हैं, दो दो सब चीज़ सब मैं आपको साथियों बताऊंगा, लेंथ ना एक्टिनाडा के क्या क्या चीज़ें होती सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। तो आई होप कि आपको थोड़ा ठीक लगा हो, मैंने थोड़ा सा मेहनत की आपको बताने में बहुत, ठीक है। तो चलिए अब सिक्स वाला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी को सूर्य की, तो दोस्तों इसमें आपके 18 बेसिकली ग्रुप होते हैं, ठीक है, ओके भाई, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। और क्वेश्चन में चलते हैं अगले क्वेश्चन में, सिक्स वाला, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित सकता है। तो पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से ओजोन परत सुरक्षित सकता है। और किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहा जाता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सॉरी किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार क्षेत्र को कहा जाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ठीक है भाई, ओके। मेरे प्यारे दोस्तों, एट वाला क्वेश्चन है आपका, 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित कौन सी योजना है जो कि बाघों का संरक्षण प्रदान करती है, ठीक है, बाघों की आबादी को बनाए रखती है, तो वो प्रोजेक्ट टाइगर थी वो, ठीक है, वो योजना भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर चलाई गई थी। वयस्क मानव शरीर में हड्डियाँ 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है भाई। तो किसने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण किया था, वो जमशेदजी टाटा ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताज होटल बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, पल्लूर कोट्टम पद्मनाभपुरम पैलेस मीनाक्षी अम्मन मंदिर, ये सब आपके तमिलनाडु राज्य में हैं। और तमिलनाडु की दोस्तों राजधानी क्या है, चेन्नई है, चेन्नई यहाँ पर आपका भारत का सबसे
प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह आपका चेन्नई में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खातों का नाम क्या है? तो बैंक खाते का नाम दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी। 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई थी और बेसिकली इसमें दोस्तों क्या होता था कि दोस्तों बेटियों के लिए एक बेसिकली योजना है जिसमें आप पोस्ट ऑफिस वगैरह में खाता खुलवाते हैं सुकन्या योजना के तहत, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, जिसमें दोस्तों आपको ब्याज दर ज़्यादा मिलता है। और इसके अलावा इस पर साथियों इसमें क्या होता है कि आप पैसा जमा करेंगे और लास्ट में जब आपकी बेटी 18 21 साल और जब विवाह लायक हो जाएगी तो आपको इकट्ठा पैसा मिल जाएगा, ब्याज आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है और काफ़ी सब्सिडी वगैरह भी इसमें योजना के तहत मिलती हैं। तो काफ़ी अच्छी योजना जो कि सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई है, सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि बेटियों के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय जंगली गधे आपकी गुजरात में पाई जाती है। ठीक है बच्चा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप अपना टाइम यूटिलाइज करो दोस्तों, टाइम यूटिलाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। मैं तो यार 4-5 बच्चों को देखते ही रह गया यार, मैं क्या बताऊँ, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे आसपास 4-5 बच्चे रहते हैं, तो मतलब वो तैयारी करना है रेलवे ग्रुप डी की, तो ये बच्चा इतना सीरियस है, एक बच्चा तो मतलब ये समझ लो भाई कि वो दूध लेने जा रहा है सुबह से, भाई दूध वगैरह चाय बनानी पड़ती है तो सुबह से दूध लेने जा रहा है। इत्तेफाक से बच्चा वो वीडियो भी मेरे ही देख के जा रहा था, मतलब जो बन लाना जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, तो कान में उसने ईयरफोन लगाया, इस प्रकार से ईयरफोन लगाया और आराम से मार्केट तक गया और उसमें 20 मिनट में उसका रिवीजन हो गया, मॉर्निंग मतलब टहलना भी हो गया और मार्केट भी उसने घूम लिया, मतलब टहलना भी सुबह की मॉर्निंग वॉकिंग भी हो गई और उसका 100 क्वेश्चन अध्ययन भी हो गया, है ना। तो बच्चा इस प्रकार से आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा, है ना। एक साथ दो काम हो जाए, जैसे आप टहल रहे हैं, ठीक है, आप मान लो अगर आपका दोस्तों अगर जॉब कर रहे हैं, वो मान लो जॉब कर रहा था भाई, जैसे आप मान लो जॉब कर रहे हैं भाई, तो आप बच्चे ऐसे करें, आप जी रेलवे में आप जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो भाई ट्रेन में आपने कान में ईयरफोन लगाया आराम से, गाने से अच्छा आप लोग वीडियो देखो, क्या दिक्कत है यार। बच्चा एक बार आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए रेलवे में या SSC किसी भी एग्जाम में हो जाए, फिर तो भाई उसके बाद तो आपकी बात ही अलग है ना। तो कुछ चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी होगी। चलिए 14 वाला क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास आपकी अरुंधति राय ने लिखी थी। ठीक है, अरुंधति राय ने लिखा था ये, और भद्रा वन्यजीव अभयारण्य आपका कर्नाटक में है। और किस युद्ध के तुरंत बाद 1944 में UN को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था? तो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1944 में UN को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की निरंतर वृद्धि के लिए किसका बढ़ना आवश्यक है? दोस्तों अगर अर्थव्यवस्था की निरंतर वृद्धि की बात करें तो अर्थव्यवस्था की जो इकोनॉमी बढ़ने के लिए GDP बढ़ेगी बच्चा, तो इकोनॉमी बढ़ेगी। आप बोलते हैं GDP डाउन हो रही है भारत की इकोनॉमी, क्योंकि डाउन होती जा रही बच्चा, अब जैसे GDP इंक्रीज होगी तो भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी। GDP बच्चा फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB बच्चा 1024 बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। OCR का बच्चा फुल फॉर्म क्या होता है? तो OCR की अगर हम बात करें, O फॉर होता है ऑप्टिकल, C फॉर कलेक्टर और R फॉर रिकॉग्निशन। बच्चा ये मोबाइल में बेसिकली टेक्नोलॉजी होती है, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी कंटेंट है यार, तो आपको मतलब चाहिए वर्ड फॉर्मेट में, ठीक है, तो आपको बच्चा आपने मोबाइल में स्कैन किया, जैसे गूगल लेंस वगैरह पे आपने स्कैन किया, तो आपका कंटेंट आपके फ़ोन में आ जाएगा, 70-80% आ जाता है। ठीक है, तो OCR बेसिकली यही टेक्नोलॉजी थी, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, इसके लिए एक गूगल लेंस वगैरह इस बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, तो बर्ड फॉर्मेट में कंटेंट आपका आ जाता है। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख आपका राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए उदारवादी क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, क्योंकि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर आपका मलेरिया, मादा एनाफिलीज मच्छर काटता तो मलेरिया फैल जाता उस केस में। ठीक है भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो आपका अलास्का पहले रूस का भाग हुआ करता था। ठीक है, 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के किस अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था? तो 1857 दोस्तों अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सत्ता से बर्खास्त कर दिया था। और अगला क्वेश्चन है आपका, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? तो श्री गुरु अर्जुन देव जी के उस पर रखी थी। ठीक है, चलिए भारत में श्वेत क्रांति मूलतः आपकी गुजरात से शुरू हुई थी। श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन साथियों आपकी गुजरात से स्टार्ट हुआ था।
ठीक है। और सबसे बड़ा गुजरात में, अब हम क्या ही बोले भाई, गुजरात में वहीं से हुई थी सबसे बड़ा अमूल ही था भाई, अमूल आपका एक्सपोर्ट निकल के आई थी कंपनी, है ना। और ठीक है भाई, अमूल कंपनी अभी गुजरात की, यहीं से अमूल का निर्माण हुआ था श्वेत क्रांति के बाद, ठीक है। यानी कि ये दुख से संबंधित है, यानी दूध से संबंधित भाई रेवोल्यूशन ही दूध से संबंधित एक क्रांति थी, ठीक है, जो कि गुजरात से स्टार्ट हुई थी। और जीएसएलबी का बच्चा पूर्ण रूप क्या होता है, जीएसएलबी यानी कि जियो सिंक्रोनस, एस फॉर सैटेलाइट, एल फॉर लॉन्च और बी फॉर व्हीकल होता है। भारत का पहला संरक्षित वन आपका है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का पहला संरक्षित वन है, ठीक है, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा दोस्तों आपका बेसिकली होशंगाबाद एमपी में आपका सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका पहला संरक्षित वन है, जो संरक्षित वन है जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये बेसिकली संरक्षित वन है भारत का पहला, जो कि 1981 में इसका निर्माण हुआ था और ये आपका होशंगाबाद एमपी में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, बीमा राशि या बीमांकित दर के प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए देय प्रीमियम 5% है, 5% है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा एंटेसाइड में होती है, एंटेसाइड प्रकार का जो कोयला होता है उसमें आपका कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, इसमें कार्बन सबसे ज़्यादा होता है एंटेसाइड में। और दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर किसने किया था, ठीक है, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर आपका अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, चलिए, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इन्हें भारत पुरस्कार भी दिया जा चुका है, अब हमारे बीच नहीं है। विशाल गिलहरी आपकी महाराष्ट्र की राजकीय पशु है, विशाल गिलहरी मतलब बड़ी सी गिलहरी है जो कि महाराष्ट्र की राजकीय पशु है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपकी प्रतिभा पाटिल हैं, ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी आपकी प्रतिभा देवी पाटिल, ठीक है, और अभी तक फिर उनके बाद कोई नहीं बना। अगर हम भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो बच्चे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी, अभी तक इसके बाद फिर कोई नहीं बना है पीएम, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी आपकी थी दमन गंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो ग्राफिक्स भीजिए रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह आपकी IBM द्वारा विकसित की गई थी। और किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी, तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले ने वह सलाह दी थी गांधी जी को। गतिमान एक्सप्रेस आपकी झांसी को हजरत नवाबुद्दीन से जोड़ती है, ठीक है, हजरत नवाबुद्दीन आपका दिल्ली में आता है आप जानते ही हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला आपकी कल्पना चावला हैं। किस हिंसक घटना के बाद गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, चौरी चौरा घटना हुई थी उसके बाद दोस्तों बेसिकली असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, चौरी चौरा घटना आपकी ट्रेन में बेसिकली लूट हुई थी, और असहयोग आंदोलन आपका 2 साल 1920 से लेकर 22 तक चला था, 1922 में आपका एक चौरी चौरा कांड हो गया था जो कि आपका गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर यूपी में आता है यहाँ पर हो गया था, और इस कारण आपका फिर गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था, ठीक है। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे हम लोग कुल बीज रोपित भूमि कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है, तो हिमालय पर्वतमाला को दोस्तों हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया। साथियों, वीडियो बनाने में बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगती है, आप देख रहे हो मैं कंटिन्यूसली बच्चा बोल रहा हूँ तो बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक करो आप लोग, यार मोटिवेशन मिलता है, लाइक जरूर करो, कमेंट करके जरूर बताओ कैसा आपको सेशन लग रहा है ना। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर करो, जो भी आपका एजुकेशन ग्रुप है उसमें शेयर करो, है ना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो डेट फ्यूचर में आपसे कोई वीडियो मिस ना हो सके। बच्चा, मैं आपको कंप्लीट तैयारी करा रहा हूँ, रेलवे SSC की कंप्लीट तैयारी करा रहा हूँ, तो बच्चा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को आप लोग, है ना। चलिए, परिचकली आपका बेसिकली लक्षद्वीप का लोकप्रिय लोक नृत्य है, और वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधे के लिए आवश्यक मृदा आद्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है तो इसे किस रूप में हम लोग संदर्भित करते हैं, तो इसे हम लोग आर्द्रभूमि कृषि के रूप में संदर्भित करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए,
न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL का फुल फॉर्म है, जो मैंने बता दिया आपको। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है और उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्षों की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था। मतलब 27 वर्ष का दोस्तों नेल्सन मंडेला कार्यकाल था, मतलब 27 साल नेल्सन मंडेला उसमें जेल में रहे थे। ये आपके दोस्तों अफ्रीका के थे, ठीक है, नेल्सन मंडेला जी। और इसमें से 18 साल इन्हें कैद किस जगह, कौन से द्वीप पर किया गया था कैद, तो आपका रोबेन द्वीप पर किया गया था इन्हें दोस्तों। हम इसके अलावा दोस्तों नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहते हैं, ठीक है। और रोबेन द्वीप पर 18 साल बंदी कैद किया गया था इनको, ठीक है, नेल्सन मंडेला जी को। सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चले हैं भाई। यूनिक्स देखो, सिपाही विद्रोह तो आप जानते हैं भाई, सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ था, सिपाही विद्रोह आपका यूपी के मेरठ के बैरकपुर में आपका सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है। चलिए, यूनिक्स, एमएडोस और लाइनक्स ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया था, तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस के सदस्य करते हैं। कामाख्या माता का मंदिर आपका असम में है और ये बहुत ही सिद्ध पीठ में माना जाता है, बहुत ही सिद्ध मंदिर है, यहाँ की माता बहुत सिद्ध है भाई, तो आपका असम के गुवाहाटी में स्थित है। कभी मौका लगे भाई असम तरफ जाओ तो यार मंदिर में दर्शन जरूर करके आना। उस महान व्यक्ति का नाम क्या है जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया था, तो आपका आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है, मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने, ठीक है। किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमोस्फियरिक प्रेशर को मापने के लिए करते हैं, तो लोग बैरोमीटर का प्रयोग एटमोस्फियरिक प्रेशर मापने के लिए प्रयोग करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था, तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन आपका 1957 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका वह पोर्ट कौन सा है जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरित डेटा ट्रांसफर के लिए एक प्रोटोकॉल है, तो भी यूएसबी पोर्ट है आपका, यूएसबी पोर्ट है, ठीक है, ये डेटा ट्रांसफर करता है, ठीक है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी आपकी महाधमनी है और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष आपके दोस्तों नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। और नीति आयोग की स्थापना आपकी 2015 में बच्चा हुई थी। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग का पहले नाम था आपका बेसिकली योजना आयोग, इसका पहले नाम था और योजना आयोग नाम था, फिर इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया, अब चीज वही है। और योजना आयोग के भी जो पहले अध्यक्ष थे वो आपके प्रधानमंत्री थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, नेहरू साहब थे। और लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना आपकी देवकी नंदन खत्री ने की थी, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप NTPC CBT2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप SSC 10+2 किसी भी आप दोस्तों वनडे एग्जाम की तैयारी करें 10+2 लेवल की, दोस्तों आप लोगों की मैंने बहुत ही शानदार ई बुक लॉन्च की है जो कि GK+ Science की ई बुक है, जो कि जिसमें आपको टॉप 21 सेलेक्टेड चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। बच्चे इस चैप्टर वाइज क्वेश्चन यानी कि पहले आपको एंशियन हिस्ट्री, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, फिर पॉलिटी, इस टाइप का बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको MCQ दिए जाएंगे। और दोस्तों ये आपको बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको बिल्कुल घोर के पी जाना है। एग्जाम में दोस्तों फेवरेट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं भाई इस ई बुक में रखे गए, जो एग्जाम में कोई 10 बार पूछा, एग्जाम में कोई 15 बार क्वेश्चन पूछ रहा है, भाई इसमें रखे गए हैं, ठीक है। ये आपकी ई बुक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों ई बुक की बात करें, सबसे ज़्यादा सेलिंग होने वाली हमारी ई बुक रही है, लगभग 10,000+ बच्चे इस ई बुक को ले चुके हैं और काफ़ी हजारों बच्चों के दोस्तों इस ई बुक को बच्चा केवल NTPC एग्जाम में इस ई बुक से GK और साइंस का पढ़ के गया था और बच्चा का अच्छा खासा अच्छा स्कोर हुआ, 70% बच्चा ने इजीली स्कोर कर लिया। दोस्तों ई बुक बहुत ही ज़्यादा शानदार है, आपको दोस्तों एप्लीकेशन पर काफ़ी रेटिंग्स वगैरह भी पड़ी हैं इस ई बुक के रिगार्डिंग, जिसमें जो टॉपर्स वगैरह ने रिव्यू किया है, तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एग्जाम में फेवरेट प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, बस वही इस ई बुक में रखे गए हैं। इसकी प्राइस केवल 99 रुपये है, ठीक है, और 99 रुपये आपको ई बुक दी जाएगी डिस्काउंट पीरियड में। और अपडेट ई बुक हो चुकी है, आपको बुक फॉर्मेट में दोस्तों एक ई बुक मिलेगी, इसको प्रिंट करवाइएगा आराम से। दोस्तों आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल घोल के पीना है, बिल्कुल, है ना, प्रिंट करवाइए, फिर उसके आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल रटना है। और मैं दोस्तों इतना दावा तो नहीं करूंगा बच्चे रेलवे ग्रुप डी में आप 45 से 45 स्कोर करेंगे बच्चे, लेकिन इतना मैं जरूर दावा करूंगा 30+ स्कोर आपका कोई नहीं रुकेगा, 30 से 35 के बीच आपका स्कोर रहेगा। ये ई बुक उन बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा लाभकारी है जिनका GK बहुत वीक है,
ठीक है, साइंस वीक है उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जिनका जीके में स्कोर कम हो रहा है। ठीक है, 30 से 35 नंबर बच्चा का एक एक क्वेश्चन आप रट लेते हैं 2100, तो आपको 30 से 35 नंबर एग्जाम में कोई भी नहीं रोकेगा। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है, मतलब पूरा मतलब चैप्टर वाइज ई बुक है और एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको ये ई बुक मिलेगी। और इसके अलावा साथियों इन 10 बुकों का बेसिकली इस ई बुक में निचोड़ है, जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको ये दो बुक कराई बहुत ही शानदार तरीके से कराई है, और भी मैंने काफ़ी बुक्स आपको कराई और एनटीपीसी के मैंने काफ़ी आपको रिव्यू वगैरह करवाए हैं, एनटीपीसी के साथ ही मैंने एनालिसिस वगैरह आपको सब कुछ कराया है। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग 7 साल का है, मैंने काफ़ी बड़े बड़े दोस्तों एडटेक प्लेटफॉर्म में वर्क किया है, तो मुझे अपने आप में बहुत अनुभव है कि भाई एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इन सब बुकों का बेसिकली इसमें निचोड़ मिलेगा आपको। ठीक है, इन सब बुकों में जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है सब इस ई बुक में रखे गए हैं, जो कोई 10 बार पूछा गया, कोई 12 बार पूछा गया, दोस्तों आप ऐसा तो है नहीं भाई आप ये सब ई बुक पढ़ लें, ये सब बुक पढ़ सकें भाई, है ना। और दोस्तों इतने आपको इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं दोस्तों, एक दो बुक पढ़ो वो काफ़ी है। इन दोस्तों 2100 क्वेश्चन को अगर आप रट लेते हैं दोस्तों तो 30 से 35 नंबर कोई भी आपका नहीं रुकेगा, इन सब बुकों का निचोड़ है और जो जो जितने सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही रखेंगे और कुछ मैंने अपने तरफ से ऐड किए जो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, ये सभी किताबों को निचोड़ है और एग्जाम में तहलका मचाने वाला दोस्तों ई बुक रहेगा, तो इस ई बुक को आप ले सकते हैं। और किसी प्रकार का आपको डाउट इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लिए आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के एक और बड़ा ऑफर है जो कि कुछ ही समय के लिए है और जो कि गुरुकुल प्लस की एप्लीकेशन पे आपको ऑफर दिया जा रहा है। इसमें दोस्तों क्या होगा कि आपको एक कूपन कोड प्रयोग करना है, कूपन कोड आपको प्रयोग करना है, इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट दोस्तों आप कोई भी कोर्स लेंगे, इनफैक्ट आप 1900 रुपये का भी कोई कोर्स लेंगे उस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको कूपन कोड प्रयोग करना है अमन, आपको अमन 10 प्रयोग करना है जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस कूपन का प्रयोग करके आप 10% डिस्काउंट पाइए दोस्तों और ये कूपन कोड कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो ई बुक को आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी बच्चे कोर्स ले चुके हैं, कोई बच्चा 5 कोर्स ले चुका है, कोई 6 ले चुका है। बच्चों का हमेशा मैसेज आता है कि सर ऐसा आप कीजिए कि सब्सक्रिप्शन वगैरह लॉन्च कीजिए ताकि हमें बार बार कोर्सेज ना लेना पड़े और बार बार हम लोगों को ई बुक वगैरह ना लेना पड़े। दोस्तों उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार तरीका निकाला है, गुरुकुल प्लस की ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च हो चुका है, जो जिसको काफ़ी बच्चों ने बहुत बच्चों ने प्यार और सपोर्ट दिया। दोस्तों बहुत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का तहे दिल से, जो कि आप गुरुकुल प्लस प्लेटफॉर्म पर इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों मैं आप जानते हैं मैं काफ़ी बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म पढ़ा चुका हूँ और जहाँ पर दोस्तों मेरे कोर्स 5-5, 6-6 हज़ार रुपये में होते थे, यहाँ पर साथियों कोर्स केवल और केवल आपको 799 रुपये में पूरा सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। 799 में दोस्तों आपको कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा, जितने भी दोस्तों मतलब एप्लीकेशन में जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी कोर्स हैं वो आपको सब केवल केवल 799 में दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको यूथ 200 कूपन कोड प्रयोग करना है जिसमें आपको 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये कूपन कोड भाई कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है, कभी भी ख़त्म हो सकता है इनफैक्ट, है ना। और जब लगेगा भाई सीट जितना हम लोग एक्सपेक्ट किए उतनी भर चुकी है, फिर कूपन कोड खत्म हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा आपको, है ना। और जितने भी एग्जाम हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सभी कोर्सेज आपको एक ही स्थान पर मिलेंगे। इसकी प्लस पॉइंट ये है कि दोस्तों यहाँ पर आपको लाइव क्लास, जितने भी हम लोग लाइव क्लासेज वगैरह के कोर्सेज लॉन्च करते हैं, वीडियो लेक्चर्स के कोर्सेज लॉन्च करते हैं, यूथ का हुआ आपका, यूथ 11,000 का कोर्स हुआ, वो मैंने जितने भी कोर्स हैं सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। PDF सब PDF आपको मिलेंगी, यहाँ पर क्विज मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगे, जितने भी ई बुक वगैरह ई बुक हमने जितनी भी लॉन्च की हैं, कोई 49 कोई 99 जितनी भी ई बुक्स साथियों, मतलब कुल मिला के गुरुकुल प्लस प्लेटफॉर्म पर, गुरुकुल प्लस एप्लीकेशन, जितनी भी चीज़ें आपकी उपलब्ध हैं वो आपको सब एक जगह पर मिलेंगी। ठीक है, और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं और हम लोगों ने दोस्तों जल्दी आप लोगों के लिए फैकल्टी वगैरह भी लॉन्च करें, मतलब आएंगी आप लोगों के लिए पढ़ाने और कोर्सेज लॉन्च करेंगे मैथ रीजनिंग और आपका इंग्लिश का, तो दोस्तों उन सब का भी आपको यहाँ पर मिलेगा, मतलब जो जो हमारे साथ ऐड होता जाएगा हम लोगों के साथ वो उन सब का आपको कोर्सेज मिलेगा। मतलब कुल मिला के दोस्तों एप्लीकेशन में जितने कोर्सेज आएंगे सब आपको यहाँ पर मिलेंगे, ई बुक PDF सब कुछ मिलेगा केवल और केवल आपको 799 रुपये में। दोस्तों ये ऑफर बार बार, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो इस ऑफर का भरपूर मात्रा में फ़ायदा उठाइए। इसकी वैलिडिटी भी आपको 1 साल दी जा रही है। PDF वगैरह जितनी आपको दी जाएंगी, जितनी भी ई बुक होंगी वो तो आपके पास दोस्तों अनलिमिटेड रहेंगी। ठीक है, मतलब आप लाइफ टाइम उसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई जो टेस्ट हम लोग दोस्तों जल्दी आप लोगों के टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज का भी आपको यहाँ पर दी जाएंगी। ठीक है, और आपको किसी प्रकार का डाउट हो, कोई भी समस्या हो भी, इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे निवारण दूर कर दिए जाएंगे। ठीक है, ओके भाई। मेरे प्यारे दोस्तों,
58 वाला क्वेश्चन है आपका, देखिए 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था। अगर हम दोस्तों आपसे बात करें 1972 का शिमला समझौता है, इंदिरा गांधी और आखिर किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था, तो आपका जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच हस्ताक्षरित किया गया था 1972 का शिमला समझौता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुगलकालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन दोस्तों अकबर के नवरत्न में शामिल थे, आप जानते होंगे। तो तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं, तो तानसेन आपकी ध्रुपद संगीत शैली से संबंधित रखते हैं, और तानसेन दोस्तों ग्वालियर के राजधानी से ताल्लुक रखते हैं, ग्वालियर से बिलोंग करते हैं तानसेन। ठीक है, अकबर के नवरत्न में शामिल थे, नवरत्न यानी कि नौ मंत्री, अकबर के नौ मंत्री थे उसमें तानसेन का नाम भी था। ठीक है, भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाला बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई, तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना यूएसएसआर की सहायता से की गई। ठीक है, चलिए, क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन आपका 1972 में किया गया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में। हम लोग रियो शिखर सम्मेलन को जानते हैं, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक आपके जेसी कुमारप्पा हैं। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के, ठीक है, समान डेटा प्रकार के संलग्न यानी कि कंटिजियस डेटा के एक सेट को हम लोग एरे बोलते हैं। बाली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोककला का रूप है, तो बाली लोक चित्रकारी आपकी महाराष्ट्र की लोककला का एक रूप है। ठीक है, 1932 का पूना पैक्त समझौता महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षरित किया गया था, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षरित किया गया था ये वाला समझौता। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन आपका 1962 में किया गया, किसने, संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी, तो आपकी महाराज मेहताब चंद ने अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को हम लोग राजकोषीय घाटा बोलते हैं, घाटा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय पहलवान आपके बन गए हैं बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया आपके हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और इसका दोस्तों अगर बजरंग पुनिया की बात करें तो हरियाणा की झज्जर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और हाल ही में दोस्तों जो टोक्यो ओलंपिक मेडल हुआ था, टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें बजरंग पुनिया ने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, बजरंग पुनिया ने, और विवेकानंद शिला स्मारक आपकी कन्याकुमारी में स्थित है। नाभि के रिएक्टरों में ईंधन के रूप में आपका यूरेनियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, समर्थ योजना केंद्र सरकार की वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित है। ठीक है, समर्थ योजना बेसिकली वस्त्र से संबंधित है। 74 वाला क्वेश्चन है आपकी, भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है, तो उसको हम लोग भारतीय, ठीक है, भारतीय बेसिकली नौ भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। ठीक है भाई, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कन्नरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित, बच्चा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है कन्नरिया महादेव मंदिर, जो कि बहुत ही पुराना मंदिर और इसको चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था, जो कि शंकर जी का मंदिर है, जो कि खजुराहो बच्चा स्थित है, खजुराहो में आपका स्थित है। और अगर हम दोस्तों बात करें खजुराहो कहाँ पर था, बच्चा खजुराहो आपका एमपी में आता है, एमपी में छतरपुर जिला है, छतरपुर जिले में आपका एमपी में खजुराहो आता है। खजुराहो में दोस्तों काफ़ी शानदार जगह है खजुराहो, यहाँ पर विदेशी लोगों का आना जाना बना रहता है, और यहाँ पर दोस्तों इस यहाँ पर सेक्स टेम्पल वगैरह भी हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों खजुराहो को यूनेस्को ने अपनी कन्हैया महादेव को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अगर दोस्तों यूनेस्को की बच्चे बात करें तो यूनेस्को का भाई मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर्स का पेरिस में। यूनेस्को भाई करता क्या है, बच्चा यूनेस्को आपकी रख रखाव करता है। ठीक है, जो भी आपकी विश्व धरोहर सूची में जो यूनेस्को ने ले लिया उसको, तो अब उसका रख रखाव सब कुछ करेगा यूनेस्को। ठीक है, तो इसका मतलब जो मुख्यालय इसका पेरिस में है, और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी यूनेस्को संघ की संगठन की। ठीक है भाई, तो खजुराहो में आपका है, खजुराहो आपका एमपी में आता है। ठीक है भाई, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक आपके पाणिनि हैं, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिडो की स्थापना हेतु किस वर्ष
में एक प्रस्ताव पारित किया, तो 1966 में प्रस्ताव पारित हुआ था प्रधानमंत्री स्वच्छ बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर कितने रुपए का दुर्घटना बस मृत्यु जोखिम कवर प्रदान किया जाएगा, तो 2 लाख रुपए का आपको मिलेगा, 12 रुपए आपको वार्षिक देना पड़ेगा, जिसमें आपको 2 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। अगर आपकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए आपके घर वालों को दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री स्वच्छ बीमा योजना है, ठीक है भाई। चलो, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। और लोकटक झील आपकी किस राज्य में स्थित है बच्चा, अगर हम लोकटक झील की बात करें तो लोकटक झील आपकी लोकटक झील की बात करें तो मणिपुर में आपकी स्थित है लोकटक झील। और लोकटक झील आपकी दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य की, पूर्वोत्तर भारत की आपकी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है पूर्वोत्तर भारत की, ये सबसे बड़ी झील है। अगर हम मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो आपकी डल झील है जो कि कश्मीर जम्मू में है, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर हम दोस्तों खारे पानी की बात करें तो बच्चा खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी चिल्का झील है, ठीक है। और बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है, तो मधुबनी पेंटिंग बहुत ही फेमस है बिहार और नेपाल नेपाल में, ठीक है। तो सतीश मधुबनी एक जिला भी है, वहाँ पर ये पेंटिंग बनती, बहुत ही फेमस है बिहार की, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपका श्रीहरिकोटा स्थित है। और दो या अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण को हम लोग विलयन बोलते हैं, जब दो और अधिक मिक्सचर मिलते हैं, सॉल्यूशन मिलते हैं, उसको हम लोग विलयन यानी कि सॉल्यूशन बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यानी कि यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी का मुख्यालय साथियों जापान में है। और किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः बिजाग स्टील के नाम से जानते हैं, तो बिजाग स्टील के नाम से साथ ही हम लोग राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जानते हैं। क्या आपको कोई दिक्कत है भाई, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है भाई, दोस्तों कोई भी डाउट हो बेचक बताइए, आपके सारे डाउट बच्चा क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप अपने कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके सारे डाउट बच्चा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर आपका कराची ने हस्ताक्षर किए गए थे, कराची में हस्ताक्षर किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि पर, सिंधु नदी संधि पर बेसिकली कराची में हस्ताक्षर किया गया था। ताजमहल बड़ा इमामबाड़ा जो कि लखनऊ में है, ताजमहल बच्चा कहाँ पर है, आगरा में है। और सारनाथ स्तूप बच्चा कहाँ पर है, सारनाथ स्तूप दोस्तों बनारसी में है, बनारस में आपका सारनाथ स्तूप है, जो कि भाई देखो ताजमहल, देखो अगर हम सारनाथ स्तूप की बच्चा बात करें तो सारनाथ स्तूप ये आपका यहाँ पर गौतम बुद्ध ने, दोस्तों अगर हम सारनाथ स्तूप की बात करें तो यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। गौतम बुद्ध को आप जानते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। और गौतम बुद्ध का दोस्तों जन्म नेपाल में हुआ था, नेपाल की लुम्बिनी में जन्म हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई। अब दोस्तों जैसे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और तो उसके बाद गौतम बुद्ध आपके बनारस में गए, बनारस में गंगा जी में स्नान किया। फिर उसके बाद दोस्तों सारनाथ आपकी बनारस से 11 किलोमीटर दूर स्थित है, बेसिकली बनारस का ही पार्ट है और सारनाथ अलग से बना दिया, जहाँ पर बौद्ध धर्म की आपको मोनेस्टीज वगैरह मिलेंगी, है ना। और तो 11 किलोमीटर दूर आपका है, तो वहाँ पर सारनाथ जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक है। यहाँ पर आपका धमेक स्तूप स्थित है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सब आपके ताजमहल, बड़ा इमामबाड़ा और सारनाथ आपके सब उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। यूपी के भाई सीएम की बात करें तो यूपी के सीएम आपके बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, यूपी की कैपिटल लखनऊ है, ठीक है। और कौन सा जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो वो जल पट्टिका आपका पाक जल डमरू मध्य, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। शब्द आपका ब्रेक्सिट की खोज पीटर बाइल्डिंग ने की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, यदि बिल गेट्स की बात मानी जाए तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी, तो अगर बिल गेट्स की बात मानी जाए तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी, तो आपको इंटरफेस मैनेजर नाम से जारी करने की योजना बिल गेट्स ने बनाई थी पहले, ठीक है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक हम लोग एडम स्मिथ को मानते हैं। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू किया था, ठीक है। जहां नाना साहब के जो कि मुंह बोलो भाई थे आपके रानी लक्ष्मीबाई के, जहां नाना साहब के कहां स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था, तो बिठोर के मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था, ठीक है।
बिटोर कानपुर के पास में एक जगह है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड डलहौजी लगभग 8 साल शासन किया और लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों चेरी अवध साम्राज्य को चेरी का नाम दिया था कि ये अवध जो रियासत है ये हमारे मुंह पर आकर गिरेगी, यानी कि मतलब ब्रिटिश के हाथ में आ गिरेगी। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ 1851 में, ये बात कही है लॉर्ड डलहौजी, 1856 में ऐसा हो गया है। ठीक है, 1856 में ऑफिशियली एक्वायर कर लिया ने अवध साम्राज्य को, ठीक है, अवध रियासत को पूरा एक्वायर कर लिया ब्रिटिश ने। और ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लॉर्ड डलहौजी की बच्चे बात करें, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 8 साल का रहा था। और लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों जो रेल पहली भारत की रेल थी जो कि लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी और जो कि आपकी बंबई से लेकर आपकी थाने तक चलाई गई थी, जो कि लगभग 34 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें और लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों डाक व्यवस्था भी स्टार्ट की थी। ठीक है, चलिए, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है भाई, लचीला है लिखित संविधान भारत का है। और इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला आपकी कहाँ की थी? इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय पहली महिला आपकी थी अमेरिका की। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है स्थानिक प्रजातियाँ, पौधे और पशुओं की भी प्रजातियाँ हैं जो आपकी एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक हम लोग डॉक्टर होमी भाभा को कहते हैं, भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक मैं आपको बता भी चुका हूँ। और इसके अलावा दोस्तों और अगर हम बात करें, ये पहले डायरेक्टर थे भाभा रिसर्च सेंटर के, डॉक्टर होमी भाभा पहले डायरेक्टर थे और इसके अलावा इन्हीं के नाम पर पड़ा है पूरा भाभा रिसर्च सेंटर। और इसके अलावा साथियों पहला जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसका नाम था अप्सरा, ठीक है, जो कि 1956 में बनकर तैयार हो गया था, 1957 में इसका उद्घाटन हुआ था। और आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करें तो आपका भाभा रिसर्च सेंटर आपका मुंबई में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? किसे आके भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में जाना गया था? तो 1857 का विद्रोह को दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया। बेसिकली आपको पता तो है 1857 का विद्रोह बेसिकली हुआ था साथियों, ये इसको सिपाही विद्रोह भी हम लोग कहते हैं। फिर उसके बाद विद्रोह भड़क गया, फिर उसके बाद दोस्तों बेसिकली विद्रोह फेलियर ही रहा था इंडियन का, हम लोगों का फेलियर रहा था क्योंकि यहाँ पर कुछ राजाओं ने गद्दारी कर दी थी रानी अच्छीबाई के साथ। और 1857 के विद्रोह को बेसिकली और पहले युद्ध के तौर पर हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सेंचुरी भी मार दी है, इसको हम लोग दोस्तों सैनिक विद्रोह भी बोलते हैं। ठीक है, 1857 का विद्रोह को जो कि आपका स्टार्ट हुआ था कहाँ से, मेरठ के, जो आपका मेरठ का जो बैरकपुर है वहाँ से स्टार्ट हुआ था, यूपी में मेरठ आता है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो बच्चा सेंचुरी हमने मार दी है। और कैसा सेशन लगा कमेंट करके जरूर बताएं, आई होप कि आपने स्टार्ट से लेकर शुरू से लेकर एंड तक वीडियो जरूर देखा होगा। और कैसा वीडियो लगा कमेंट करके बताएं, लाइक फटाफट से करें कमेंट करके बताओ कैसा आपको वीडियो लगा है। और इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, सूरत में आपके लिए ऐसी चीज़ें बनाता रहूं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सूरत बच्चा फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। ठीक है, मैं डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, है ना।